और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 के रिजल्ट आ चुका था। अभी दो दिन पहले ही, तीन दिन पहले ही हमारा रिजल्ट आया था और उसके मार्क्स का आप सभी लोगों को वेट था, क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू थे कि उनके टीयर जो उनका टीयर वन में स्कोर अच्छा था, फिर भी उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो वो सभी लोग अब क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं, एसएससी ने आपका मार्क्स डिक्लेयर कर दिए हैं। ये एसएससी की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, ssc.nic.in, और यहाँ से अपलोडिंग ऑफ मार्क्स पेपर टू कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपके मार्क्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं आपका। इसके अलावा आप इस बात को रजिस्ट्रेशन नंबर आप रजिस्टर्ड पासवर्ड के थ्रू आप देख सकते हैं। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आप एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी सीपीओ का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप यहाँ से नहीं चेक कर पा रहे हो तो आप बेसिक आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूजर नेम में अपना यूजर नेम डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर में जो एसएससी ने आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड दिया था जब आपने फॉर्म भरा था उस समय का। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं, उससे आपके मोबाइल पर फॉरगॉट पासवर्ड आप जैसे ही करेंगे तो आपसे यहाँ पर परमानेंट स्टेट पूछेगा। तो जैसे मैं आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ मेल आईडी या मोबाइल नंबर डालूंगा तो उसके बाद मेरा ओटीपी आ जाएगा और वहाँ से मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप उसमें एंटर करोगे तो आप रिजल्ट के सेक्शन में जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है और कैसे आपको अपने मार्क्स देखने हैं। आप सभी लोगों ने आशा करता हूं अपने मार्क्स देख लिए होंगे और रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने का रिजल्ट भी सिलेक्शन नहीं हुआ टीयर टू में, जबकि उनके टीयर वन में इतने अच्छे मार्क्स थे कि वो सेलेक्ट हो सकते थे। तो लेट्स टॉक अबाउट देम। के टीयर वन तक आपके 117 स्कोर था और उसके बाद इनका जो टीयर टू में स्कोर आया है एसएससी की तरफ से वो उन्होंने जीरो दिया है। और इसमें इन्होंने इसमें रीजन लिखा है अनफेयर मींस एड्रेस या फिर नेम, यानी कि इनका कहने का मतलब है ईडब्ल्यूएस सेक्शन से ही क्वालिफाई किया था। इन कहने का मतलब है कि इन्होंने एड्रेस या फिर नेम इन्होंने कॉपी में लिख दिया है जिसकी वजह से इनकी कॉपी रिजेक्ट हो गई है। तो ये बात पहली चीज तो सभी लोग याद ध्यान रखो कि किसी को भी एड्रेस या फिर नेम नहीं लिखना होता है कॉपी में, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब मैंने इस बच्चे से बात करी तो इनका कहना यह है कि नहीं, इन्होंने कहीं पर एड्रेस या फिर नेम नहीं लिखा है। तो अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो एसएससी से कुछ गलती हुई हो, दूसरी बात हो सकता है इनको याद ना हो, कंफ्यूजन हो गया हो, कुछ लिख दिया हो, ये चीज आप देख सकते हो। इसलिए आप एक काम ये करिए कि एक जैसे ये बच्चे हैं, इसी तरीके से एक और स्टूडेंट का इससे मेरी बात हुई, ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा खासा था बट उनका नाम नहीं है टीयर टू की लिस्ट में। इनके 142 थे आपके फाइनल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 142 था और इनका भी वही सेम नेम से लिखकर इन्होंने बता दिया है कि अनफेयर मीन्स है, इसलिए इनकी कॉपी इन्होंने रिजेक्ट कर दी है। सो ऐसे केसेस की वजह से आपको काफ़ी समस्या होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन आपके पास है वो थोड़ा सा सॉल्यूशन तो मैं नहीं कह सकता, बट आप क्या आगे कर सकते हो मैं इसे ये कह सकता हूं। तो देखिए आप लोग आरटीआई लगा सकते हो और आरटीआई लगाने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कई बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं आरटीआई लगा देंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगी, एग्जाम रुक जाएगा या प्रोसेस रुक जाएगा। तो देखो आरटीआई लगाना आपका हक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही इससे एग्जाम का प्रोसेस रुकता है। आप आरटीआई लगा रहे हो, आप कोर्ट केस नहीं कर रहे पहली बार। इससे क्या होगा, आप अपनी कॉपी देख सकते हो और एक बार आप कॉपी देख लोगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि भाई क्या दिक्कत हो सकती है आपका। ठीक है, कई बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है उनको इस बारे में एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि आपकी कॉपी में क्या गलती थी, आपने कैसी कॉपी लिखी थी, ये सारी चीजों का पता लग जाएगा। तो कैसे आरटीआई फाइल करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट खोलिए, rtionline.gov.in। आप ये वेबसाइट यहां देख सकते हो, rtionline.gov.in। आप सिंपली गूगल भी कर सकते हो, आप सिंपली गूगल करो आरटीआई ऑनलाइन, तो इतना आप जैसे ही गूगल करते हो तो पहली वेबसाइट आपकी यही आती है और इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक, अब अगर आपका अकाउंट यहाँ ऑलरेडी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है सब कैसे क्या करना है। और अगर नहीं है अकाउंट तो सबसे पहला काम आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ साइन अप हेयर पे चले जाओगे। जैसे ही साइन अप हेयर पे जाओगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रेंथ पासवर्ड भरना है, आपको ईमेल आईडी भरनी है, यूजर टाइप भरना है, आपको नेम, जेंडर इस तरीके से आपको भरना होगा। यूजर नेम आप ध्यान रखिए, यूजर नेम आप जो भी रखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एबीसी यूजर नेम रखा तो एबीसी वन कर लीजिए तो ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एबीसी वन मतलब क्या है कि एक जो नाम है उसमें यूजर नेम में आपके अल्फाबेट होने चाहिए, साथ साथ है कि न्यूमेरिकल भी होना चाहिए,
तब जाके ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पासवर्ड में भी सेम है, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड और साथ में कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्टार या एट आप रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, बाकी की जो डिटेल्स है वो यहां पर भर दीजिए। जैसे कि मैंने, देखिए यहां पर मैंने आपको मैंने भर रखी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपका जो पासवर्ड बनाया वो मैंने जो आपका यूजर नेम बनाया वो सुखदेव त्रिवेदी A1 लिख दिया। उसके बाद पासवर्ड में मैंने कुछ जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो आप रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ABC@123 आप रख सकते हो सिंपली, ठीक है। मतलब कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया ये इसलिए कि आपको ये पता लगे कि आपको अल्फाबेट इस्तेमाल करना है, एक स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है, फिर नंबर इस्तेमाल करना है। पासवर्ड लिखोगे उसके बाद आप मेल आईडी लिखते हो, यूजर टाइप आप यहां पे जब क्लिक करते हो तो इसमें तीन ऑप्शन आते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। जब आप इसमें यूजर टाइप में क्लिक करते हो आता है इंडिविजुअल, अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और कॉमन सर्विसेज। आप अकेले हो, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप सिंपली इंडिविजुअल पे फिल कर दोगे। जब इंडिविजुअल भरोगे उसके बाद आपको ऑप्शन आता है यहाँ नाम भरने का, आप यहाँ नाम भर दोगे। इसके बाद आप अपना जेंडर भर दोगे, उसके बाद अपना यहाँ पर जेंडर हो गया, उसके बाद आप अपना एड्रेस भरते हो, एड्रेस के बाद आप यहाँ पिन कोड भर दोगे, फिर से पिन कोड पूछते हैं ये, कंट्री स्टेट भरेंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आप शहरी क्षेत्र से हो आप भर सकते हो, आप कितना पढ़े हो ये पूछेंगे, फ़ोन नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भरते हैं, उसके बाद आपका जो भी सिक्योरिटी कोड है आप उसको भर के सबमिट कर दोगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप जैसे ही आप अगली स्क्रीन पर आते हो वो तुरंत आपका जो फॉर्म अपना आपका जो अकाउंट है वो बन जाता है और सिटीजन लॉगिन फॉर्म ये आपका तुरंत ओपन होके आ जाता है। इसमें क्या होता है, उसके बाद आप जब अपना यूजर नेम भरते हैं, पासवर्ड भरते हैं और वो एक एक्टिवेशन की भी आपके मोबाइल पर आपके मेल पर भेजेंगे तो आप वहां पर एक्टिवेशन की फिल कर देते हो, ठीक है। जैसे आप करते हो, जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे एंटर एक्टिवेशन की का फॉर्म आएगा, ये एक्टिवेशन की आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी उस पर आ जाएगा या फिर आपके फोन नंबर पर आ जाएगा, वहां से आप कॉपी करके उसे फिल कर दोगे, सिक्योरिटी कोड भरोगे और एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे आपका ये अकाउंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका इस तरीके का पूरा अकाउंट ओपन होता है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का एक पेज आएगा जिसमें बहुत सारी कंडीशंस देते हैं वो, उसके बाद इसमें आप आई हैव रेड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस इसको सबमिट कर देंगे। आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो अगला पेज खुलेगा वहां पे आपसे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है जिसमें आप सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी ये पूछते हैं। इसको जब आप ड्रॉप डाउन करोगे तो इसमें दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स देते हैं, जितने भी सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे फिल करते हैं। इसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूंकि SSC जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HQ भरेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर के लिए आप RTI फाइल करेंगे। उसके बाद आप नाम में अपना नाम भरेंगे, जेंडर में आप अपना जेंडर भरेंगे, फिर से एड्रेस भरेंगे, कंट्री भरेंगे, स्टेट पूछेगा, सिंपल वही जानकारी आपसे वो फिर से पूछता है, ठीक है। कितना एजुकेशन है ये सब पूछेंगे वो। उसके बाद वो सिटीजनशिप आपसे पूछते हैं, ठीक है, और बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं ये आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की आपको क्या पूछना है इसका ध्यान देना है। ये ध्यान दीजिएगा आपको कोई भी इनके अलावा कोई भी अलग कैरेक्टर नहीं लगाना, जैसे कि हमारी आदत होती है क्वेश्चन मार्क लगाने की क्योंकि हम RTI फिल कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कहीं पे भी, ठीक है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपली आप लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट टू सी माई SSC CHSL 2017 Tier 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट, मेरा नाम ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना जो भी भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, रोल नंबर आप भर सकते हैं, कैन आई गेट माई डिस्क्रिप्टिव कॉपी, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, या आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप और भी भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है आपको कुछ भी लगाने की, आप इतना ही कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड फिल कर सकते लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो। और उसके बाद आप अपना यहाँ सिक्योरिटी कोड भर देंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो इंटरनेट बैंकिंग और आपको कैसे भरना है पेमेंट करना है वो आप डिसाइड कर लेना, वहां से पेमेंट कर दीजिएगा, ₹10 का पेमेंट होगा आपका और उसके बाद आपकी RTI फाइल हो जाएगी। जैसे ही RTI फाइल हो जाएगी उसके बाद आपका यहाँ पर वो रजिस्टर्ड RTI में एक दिखाने लगेगा, फिर पेंडिंग में भी दिखाने लगेगा एक, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको RTI का जवाब आ जाएगा। दे विल आस्क यू टू सेंड मनी फॉर द कॉपी, क्योंकि कॉपी के लिए कुछ फीस लेते हैं तब वो कॉपी देते हैं, तो आप वो कॉपी की फीस आपको सबमिट भरनी पड़ेगी,
तब जाके आपको आपकी कॉपी मिलेगी और उसके बाद आप अपनी कॉपी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपका कॉपी आता है फिर उसमें आप देखिए कि भाई नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो फिर आप पूछिए कि क्यों रिजेक्ट करिए, जब आपने जब हमारे में नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो क्यों रिजेक्ट करिए। वो जहां तक की कॉपी के ऊपर उन्होंने लिखा होगा कि क्यों आपकी कॉपी रिजेक्ट हुई है। तो आप लोग ये कर सकते हो, जिन लोगों को कॉपी में आपने दिक्कत आ रही है, भाई नंबर है और फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप लोग ये कर सकते हो। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड। अगर आपको कुछ और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन से मदद मिली है, इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग और लोग RTI वगैरह फाइल करना चाहते हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।